हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। आज 24th ऑफ मार्च का करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे हम करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और उसी करंट अफेयर्स के नोट्स के ऊपर ही ये क्विज बेस्ड है दोस्तों। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको फिर से करेंगे तो फिर आपका रिविजन हो जाएगा। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश के मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको 169 वाला टारगेट बैच प्लस हमारा जो मेंस कैंप है उसको एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर डेली टारगेट दे रहे हैं और उसी के साथ वीडियो सोल्यूशन भी मैथ्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? और मैं आपको बताते चलूं कि ये 24th ऑफ मार्च को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो था इट्स टाइम। इट्स टाइम। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में? इंडिया का जो रैंक है 120 रैंक है। द हेरिटेज फाउंडेशन ये रैंक निकालता है। इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स कौन से डेट में मनाया जाता है? मतलब बेसिकली ये ऐसा है कि किस चीज पे ये कंसर्न है, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अगर आप ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करते हैं या एंड इट इज ऑल्सो फॉर द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स, तो ये जो चीज है दोस्तों ये मार्च 24 को मनाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अब कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान। COVID-19 को कॉम्बैट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी का जो हेड कौन है? ये जो हेड है ये वीके पॉल। वीके पॉल। किसने WHO के साथ मिलके कोलैबोरेट करके COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है? यह है प्रियंका चोपड़ा। आप सभी को पता होना चाहिए WHO का जो हेड है वो है टेड्रोस अधानोम और जो हेडक्वार्टर है इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। अबेल प्राइज। अबेल प्राइज एक्चुअली मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, ये एक नोबेल प्राइज की तरह ही होता है, बिकॉज नोबेल प्राइज मैथ्स के लिए नहीं होता है, तो इट इज कंसिडर्ड नेक्स्ट नोबेल प्राइज और यू कैन से इक्विवेलेंट नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। 2020 में हिलेल फुट्सबंग और ग्रिगोरी मार्गुलोस को दिया गया, तो ये मैथ्स के लिए ही दिया गया और इसमें जो विजेता होता है उसको 7.5 मिलियन नॉर्वेगियन क्रोनर मिलता है। लिगेसी ऑफ लर्निंग एक बुक है, इसको ऑथर्ड कौन किए हैं? और ये जो बुक है भगवद गीता के ऊपर आधारित है, इसको ऑथर की है सविता छावड़ा। सविता छावड़ा, लिगेसी ऑफ लर्निंग। नेटिव फ्यूरी एक्सरसाइज यूएस और किस कंट्री के बीच किया जाता है? यह है UAE। कौन सा कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर को चेयर किया है ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव के ऊपर? यानी इंडिया ने अभियान शुरू किया था और कौन सा कंट्री ने इसके साथ, मतलब हमारे भारत देश के साथ मिलके ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है? तो ये जो कंट्री है ये है यूके। बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री, कैपिटल लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग है इसका करेंसी। टोक्यो ओलंपिक्स, इतिहास में पहली बार हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक्स स्थगित किया गया है, तो सबसे पहला कंट्री जो है जिसने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है वो कौन है? वो है कनाडा। इसके जो प्रेसिडेंट है थॉमस बैच और ऑनररी प्रेसिडेंट जो है जैक्स रोगी है। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, मैं बात नहीं कर रहा हूं कनाडा का, मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैच, इसको बस आप याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है लोजैन में है, कहां पे? स्विट्जरलैंड में है। कौन से बैंक ने एक प्रीपेड वॉलेट कार्ड शुरू किया है इन करूर? राइट, क्यों? ताकि वो कैश क्रंच को रिड्यूस कर पाए,
तो नाम से ही पता चल जाता है करूर व्यासा बैंक। इसका जो टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंकिंग, चेयरमैन है एनएस श्रीनाथ, हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु, 1916 में खुला था। सेंटर हैज रोल्ड बैक एनआरआई टैक्स विथ टैक्सेस पेबल ऑन इनकम जनरेटेड बाय देम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया सब्जेक्ट टू ए थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ डैश, यानी 15 लाख इसका जो आंसर होगा 15 लाख होगा। इसका मतलब क्या, मैं आप सभी को समझा देता हूं। सेंटर ने अब क्या किया है, ये एनआरआई टैक्स को वापस ले लिया है ना, जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट 15 लाख से ज्यादा होता है उनके लिए ही एनआरआई टैक्स वापस ले गया है। यूबीएस ने हाल फिलहाल में इंडिया का फिस्कल ईयर 2021 का रियल जीडीपी फोरकास्ट को लोअर डाउन कर दिया है। पहले इसने एज्यूम किया था 5.1% और घटा दिया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 4% बना दिया है। आपको ध्यान देना है कि यूबीएस क्या है, एक स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में है, और ज्यूरिक और बेसल में भी इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सर्जियो इरमोती, और हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और हाल फिलहाल में S&P दैट इज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने भी अपना जीडीपी फोरकास्ट इंडिया का 5.1% बना दिया है। ये सब कोरोना वायरस के चलते हो रहा है। आरबीआई ने क्या किया है, एक्सटेंडेड प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन फॉर बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज टू दिस, व्हाट इज द अलाउड ओवरऑल लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। मैं आपको बताते चलूं, एक प्रायोरिटी पीएसएल होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, जिसमें प्रायोरिटी डिसाइड किया जाता है कि बैंक्स को लोन देना ही पड़ता है। तो एनबीएफसीज के लिए और एचएफसीज के लिए जो प्रायोरिटी बेसिस डिसाइड किया है वो 5% देना ही पड़ेगा। और आरबीआई 1935 में बना था, अप्रैल 1 में, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, और अब इसको कौन हेड करेंगे, इन्होंने एक पैनल बनाया है। ओके, सो इस पैनल को जो हेड करेंगे वो हैं प्रवीण कुतुम्बे, चेयरपर्सन है SC खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया। इंदस इंद बैंक के MD एंड CEO अब कौन बने हैं, सुमंत कथपालिया। क्या मुझे बता सकते हैं कि अब यस बैंक के यू कैन से एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं, कमेंट के बॉक्स में बताइएगा। इसका जो टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर, इंदस इंद बैंक की बात कर रहा हूं। सीईओ जो है सुमंत कथपालिया है अभी, और हेडक्वार्टर है इसका पुणे में। सरकार ने अभी डिसाइड किया है कि ये कौन से सरकार ने डिसाइड किया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 1000 रुपये का सारे रेशन कार्ड होल्डर्स को, ये जो आंसर है तमिलनाडु। मैं आपको बताते चलूं कि यूपी सरकार ने भी 1000 रुपया देने का वायदा किया है अपने डेली लेबरर्स लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और मेंस के कैंप को आप एनरोल कर सकते हो बिल्कुल। टेक केयर, बाय बाय।